बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा अपनी ख्वाहिश, अपना खाना और पीना मेरी खातिर छोड़ देता है, बस रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले मोमिन हैं और बुग्ज रखने वाले मुनाफिक हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अलैहिस्सलाम कुरान के साथ हैं और कुरान अली अलैहिस्सलाम के साथ हैं और ये दोनों हौज़े कौसर तक जुदा नहीं होंगे। हर चीज की एक बुनियाद होती है और इस्लाम की बुनियाद हम अहले बैत की मोहब्बत है। अच्छी गुफ्तगू और खाना खिलाना तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने उन बेटियों के किसी मामला की जिम्मेदारी ली और उनके साथ अच्छा सलूक किया तो ये बेटियां उसके लिए दोजख की आग से बचाव का सामान बन जाएगी। वालिद जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है, चाहो तो उसकी हिफाजत कर लो और चाहो तो जाया कर लो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम जन्नत में तब तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ईमान वाले ना हो जाओ और तुम तब तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करने लग जाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला ताला ने जब जमीन को पैदा फरमाया तो वह रब के जलाल से कांपने लगी, तो उस पर पहाड़ बसा दिए जिससे उसकी हरकत मौकूफ हो गई। फरिश्तों को पहाड़ की ताकत पर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने मौला से पूछा कि पहाड़ से भी ताकतवर कोई चीज दुनिया में है? तो मौला फरमाता है कि हाँ, वह लोहा है। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं कि क्या लोहे से भी ताकतवर चीज है? तो मौला फरमाता है कि हाँ, वह आग है। फिर फरिश्ते ने अर्ज किया कि ऐ मौला, क्या आग से भी कोई ताकतवर चीज है? तो मौला फरमाता है कि हाँ, वह पानी है, उससे भी ताकतवर हवा है और उससे भी ताकतवर इंसान का किया हुआ वह सदका है जो उसने छुपा कर दिया हो, वह हर चीज से ज्यादा ताकतवर है। चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। मोमिन मोमिन का आईना है। हज करना बेहतरीन जहाद है। हर नशा वाली चीज से परहेज करो। दुआ बला को दफा करती है। जो चुप रहा उसने नजात पाई। नजर का लग जाना बरहक है। दीन गमखारी का नाम है। सलाम को फैलाओ, सलामत रहोगे। कब्र का अजाब बरहक है। खिदमत इंसान बेहतरीन शुगल है। मोमिन का तोहफा मौत है। अमानतदारी मालदारी है। निकाह का ऐलान किया करो। पड़ोसी का हक जरूरी है। तौलो और झुकता हुआ तौलो।